नमस्कार, मैं मीनाक्षी, स्वागत करती हूँ आपको क्रेजी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मसाला। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसे आप रोटी, पराठा, नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये बनाने से पहले हम देख लेते हैं ये बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आधा किलो चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। ये है दो मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज के टमाटो, थोड़े से धनिया, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है कुछ खड़े मसाले, एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी और दो लौंग, एक चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया और जीरा का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ये है सरसों का तेल, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गैस पे गर्म होने रख दिया है। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी हम इसमें तेल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज किया हुआ है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अभी हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देते हैं और जीरा को भी ऐड कर देते हैं। अब जीरा और खड़े मसाले को कुछ सेकेंड्स के लिए हमें भून लेना है। अभी हम इसमें जो प्याज है इसे ऐड कर देते हैं। प्याज को अभी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कच्चा स्मेल है वो चला नहीं जाए और इस गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी मैं इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने से प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अभी इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी हम इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसे डाल देते हैं। अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल जाने तक हम इसको अच्छे से भून लेना है। ये मसाला भून गया है, अभी हम इसमें टमाटो ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें नमक ऐड किया हुआ है तो टमाटो भी बहुत जल्दी इसका पानी छोड़ देगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें अभी टमाटो को अच्छे से एकदम सॉफ्ट होने तक इसको भून लेना है। अभी मैं इसमें ढक्कन लगा रही हूँ, इसको 4 से 5 मिनट लग जाता है। आपको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो मसाला जो है वो नीचे लग जाता है। अभी ये टमाटो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और मसाला अच्छे से भून गया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और जीरा का पाउडर। अब ये सारे ड्राई मसाले को ये मसाले के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छे से भून लेना है। इसको ढक्कन लगा के बीच बीच में चलाते रहिए। ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, अभी ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड करते हैं। ये मसाले के साथ जब हम धनिया का पत्ता ऐड करते हैं तो इसका जो खुशबू है बहुत अच्छा आता है। अभी हम इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर देते हैं और ये मसाले में अच्छे से भून देते हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। अब ये मसाला कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, देखिए साइड से तेल छोड़ रहा है। अभी हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन में मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है, चिकन को बस अच्छे से वॉश करके 2-3 बार फिर ले लेते हैं। अब ये चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। गैस को अभी मैंने लो मीडियम फ्लेम में रखा हुआ है। लो मीडियम फ्लेम में अभी हम चिकन को ऐसे ही भूनते रहेंगे, उसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। ये चिकन मसाले के साथ अच्छे से मिल गया है, अभी हम इसको ढक्कन लगाएंगे और 20 से 25 मिनट के लिए कुक होने देते हैं लो मीडियम फ्लेम में। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, चिकन अपना पानी छोड़ देगा। तो बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है। ये 10 से 15 मिनट हो गया है, ये देखिए चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम बस चिकन को अच्छे से मिला लेते हैं और इसको ढक्कन लगा के हमें इसको लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से कुक कर लेना है जब तक ये जो पानी है वो एकदम ड्राई ना हो जाए। ऐसे करने से चिकन अच्छे से कुक भी हो जाता है और बढ़िया सा टेस्ट आता है। ये चिकन अभी एकदम ड्राई होके चारों तरफ से तेल छोड़ना शुरू कर रहा है, मतलब चिकन हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है और ये चिकन ऑलमोस्ट कुक भी हो गई है 70-80% जितना। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया, हरी धनिया जो है वो।
इस टाइम में धनिया ऐड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें उसका जो खुशबू है बहुत बढ़िया से रहता है। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हमें चिकन में पानी ऐड करना है। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है उसी हिसाब से आप पानी ऐड करिए। मैंने यहाँ पे एक ग्लास पानी यूज़ किया हुआ है। अभी हम चिकन को अच्छे से मिला लेते हैं और ढक्कन लगा के इसको और 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। टोटल में चिकन कुक होने के लिए हमें 30 से 40 मिनट लग जाता है। बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है। ये चिकन करी बन के रेडी हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक सर्विंग बाउल पर निकाल लेते हैं। आप ये चिकन करी की रेसिपी को रोटी, पराठा, नान या फिर चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए। आपको ये चिकन मसाला की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।